और तीन साल से कंटेक्ट में भी काम तनख्वाह लेने वाले भी इसी अच्छा मिडिल गर्ल्स स्कूल में शामिल है, आपको क्या ये लोग नजर नहीं आया? लिहाजा ये सिर्फ हम यही कह सकते हैं, ये सारे चीजों को नजरअंदाज करने के बावजूद आपने ऑर्डर पास कराया है तो सरासर ये हमारे मोजे के साथ नाइंसाफी हुई है। या आपने, मैं तो यही कर, हम तो बड़ा तवक्कू रखते थे, नजीर साहब का बड़ा तारुफ सुना था, या तो नजीर साहब को अंधेरे में रखा गया या उस दस्तखान के नजीर साहब को शामिल करके जबरदस्ती बिठाया गया, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे साथ बुरी तरह नाइंसाफी, पूरा मोजे लेवल पे बुरी तरह हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। और जब तक इसका अदाला नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहते पहले जिनको आपने अपॉइंटमेंट थमाया उनको आप कहीं और लगाए, हमारा कोई एतराज नहीं है। सबसे पहले हमारा ठोस यही आपसे मुतालिबा है कि इस जो आर्डर आपने कल निकोट किया गया है इसको बिल्कुल कलदम करा दे, अगर ना होने की सूरत में हमारा जो कैंडिडेट है उनको लगाया जाए, भले आप उनको जिधर मर्जी लगाना है आप लगाएं, लगा सकते हैं, लेकिन हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम हमारे जिद्दोजहद, आप ये ना सोचे कि ये आज अस्कर्दू प्रेस क्लब तक महदूद रहेगा, ये आपकी भूल है। इंशाल्लाह हम ये सहाबत बरादरी के ताउन से ये मीडिया उठा लेंगे, हम अपना माशाल्लाह आपने वजीर तालीम के हाथों ये अपॉइंटमेंट आर्डर इशू कराया, हमने आज फेसबुक के हद तक देखा, लेकिन नाजिमाबाद में कई सालों से, पांच सालों से जो है ना आपके एजुकेशन के डायरेक्टर साहब ने आर्डर देने के बावजूद कंटेक्ट आर्डर पे अच्छा 4,000 और 5,000 तनख्वाह लेते हुए 3 और 4 साल का अरसा गुजर चुका है, अब आपको वो कल क्यों नहीं नजर आया? मेरा सवाल आपसे ये है। दूसरे साथ साथ इतना 250-300 दरअस्तान पर मुश्तमिल उस अराजी पे जो अच्छा लोगों ने अच्छा आपको तोहफे के तौर पे दिया हुआ था, आपने सिर्फ ग्रेड वन जो है आपका बजुबान कलाम यही था, ग्रेड वन हम इन्हीं बंदों को दिया जाएगा। और हमारा के बावजूद हमने जीबीडीएमए से और फ्लड कमीशन से स्पेशल स्कीम रखवाया, एनडीआरएफ का प्रोजेक्ट आया था, वो तकरीबन 76 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट था जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए था, उसमें से 12 करोड़ सिर्फ हल्का नंबर 2 में रखा था, जिसमें हो तो रंगार, जसना, करपना, सोंदूस, कोमरा और क्वारदो। और रिसेंटली अभी मुझे पता चला कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, क्योंकि उसमें यह था कि 70% से 80% एनडीआरएफ फेडरल ने देना था, बाकी अरेंजमेंट जीबी गवर्नमेंट ने करना था। और हमने लास्ट 2-3 साल पहले की बात है कि 2019 में हमने कोशिश किया कि, और वो मतलब कागज़ भी आपको हम दिखाएंगे, इमरजेंसी हमने डिक्लेयर करवाया था डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए, ताकि क्योंकि दरियाई कटाव का ये नोयत है कि हल्का नंबर 2 में ये जो जिन गाँव का मैंने आपको जिक्र किया ये पूरा इलाका दरियाई कटाव में है, और उसमें सबसे ज़्यादा थोंदूस में, और उसके बाद मोजा इस्लाम में, और इस्लाम में भी जो हमारा इस्लाम गांव है आफरी जोशीगर की तरफ वो ज़्यादा कटाव है। अभी दूसरा गांव मक्कू नावा जहाँ से मेरा अपना ताल्लुक है, मेरा अपना गांव है, मेरी अपनी ज़मीन भी कटाव का शिकार हो चुका है, और नाजमाबाद जो हमारा तीसरा गांव है वहाँ पे भी कटाव पहले भी हो चुका है और अभी भी कटाव हो रहा है। अब इसमें इशू ये है कि वफाक ने पैसे तो दे दिए लेकिन जीबी गवर्नमेंट उसको नहीं कर सके। अभी कमिश्नर साहब से आज हमारी मीटिंग हुई, गवर्नर जो हमारे अपॉइंट हुए उनकी मौजूदगी में, उधर जब मैंने बताया तो उनका कि वो हम कुछ कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं वाली कहानी जो है पिछले 15 सालों से चल रहा है। और मैंने उनको क्लियर कर कहा कि अगर इस साल आप कुछ नहीं कर सकते तो आप 1 अरब के आप 12 अरब भी डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोगों के दरख्त जंगलों की तरह थे, जंगलात की तरह थे, वो सारे ज़मीनें चले गए जहाँ पर फसल थे, फसल समेत गए, आलू समेत चला गया। तो मैं बल्कि आज इस फोरम के फायदा उठाते हुए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कल परसों में कोई टाइम हमें दे दें, हम आपकी विजिट अरेंज करेंगे। आप लोग पहले भी जा चुके हैं मुझे पता है, सर्दियों में भी गए, लेकिन अभी की जो सूरत हाल है उसको देखने के लिए आप आए, आप इसको ये पूरे हल्के की, खैर इसमें यहाँ पे फोकस हम मोजे स्ट्रांग को कर रहे हैं, लेकिन पूरे हल्के के अंदर जहाँ जहाँ कटाव है सैलाब की वजह से, और बिलखसूस ये दरियाई कटाव, क्योंकि बाकी जगहों पर जो सैलाब आते हैं नदी नालों में वो फिर भी कंट्रोल हो सकता है, दरियाए शिकर और दरियाए सिंध की वजह से जो सैलाब हो रहा है
सैलाबी तबाही हो रही है, उसको कंट्रोल पिछले 15 सालों से नहीं हो सकता है, नहीं हो पा रहा है। और गवर्नमेंट लेवल पे तो मुझे बड़ा ताजुब हो, मैं खैर 5 साल में मेंबर रहा हूँ, मुझे पता भी है, हमने मतलब जितना हमारे अंदर एनर्जी था हमने कोशिश किया, मतलब चीफ सेक्रेटरी लेवल आखिरी हमारा वो है, वजीर हो गया, जीपीडीएमए का जो सेक्रेटरी है या जो डीजी है उस लेवल तक गए, हर हद तक कोशिश किया, लेकिन इतनी ज़्यादा इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है ऑफिसेज में। और मतलब जब कोई हाई लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इशू खड़ा होता है या मीडिया इसको उठाता है या गवर्नर या वजीर आला साहब इसको उठाता है तो एकदम से एक हाई क्रेप हो जाता है, वो जाके विजिट भी करते हैं, कागज़ भी बना लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये डेट लिखा हुआ 2019-20 में, मेरे ही रिक्वेस्ट पे, पर्सनल रिक्वेस्ट पे, मैं उस वक्त मेंबर था डीजी साहब को, मैंने कन्विंस किया कि भाई आप इमरजेंसी डिक्लेयर करें। इमरजेंसी उस वक्त डिक्लेयर होता है जब आपके ज़मीन मुकम्मल तौर पर आबादी वाली ज़मीन पर गैर आबाद या और बच्चों के अंदर भी अभी सैलाब आए हुए बहुत सारे जगहों पर, सतपारा में है ये इशू, गेयूर में बहुत सारे इशूज हैं, अभी तक जो मुतासरीन हैं बहुत सारे जगहों पर उनको रिलीफ और फंड नहीं दिया गया, तो मुझे समझ में नहीं आता। खैर ये कोई सियासी वो नहीं है, हम उसके सियासी वो नहीं करना चाहते, लेकिन हमें अफसोस भी होता है कि 2 साल का अरसा गुजरा है, हुकूमत में वजीर साहब बैठे हुए और उनकी कारकर्दगी के बारे में उनके अपने जो हेड है, कल के अखबार में आपने पढ़ लिया कि क्या उनकी कारकर्दगी है, उनकी पार्टी की कारकर्दगी है और आवाम को किस तरह से वो धोखा दे के ट्रेड करके आगे लाया गया, उस पर इंशाल्लाह आगे कुछ दिनों के बाद जब मेरी सियासी कैरियर में आने वाले वो अलग कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन अभी पर्टिकुलरली इन 2 इश्यूज के ऊपर अगर आप साथी बरादरी की तरफ से कोई सवाल जवाब हो तो वो हम लेंगे, लेकिन उससे पहले आखिरी अल्फाज हमारे ये कि ये तो एक हमने स्टार्ट में सिर्फ कंसर्न लोगों तक जा रहे हैं, खत के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये हल नहीं होता तो इंशाल्लाह हम आवाम के साथ खड़े हैं, भरपूर एहतजाज करेंगे, ताकत का मुजाहरा करेंगे, और ये आवाम का बुनियादी हक है तालीम जैसा हक, और अगर ये नहीं करते तो आप अंदाज़ा करें, अगर इन वालदेन ने यह फैसला किया है कि मौजूदा इस्लाम उम्र में जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल है उससे वो अगले फेस में बायकॉट करने जा रहे हैं, ये तो ह्यूमन राइट इशू भी है और ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मेरे अंदाजे के मुताबिक मुल्की लेवल पे इसको उठना चाहिए और आवाज़ होगी, उस पर एक्शन भी होगा। हमें उम्मीद है कश्मीर अफेयर के जो मिनिस्ट्री है कायरा साहब से भी और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो भी एक्शन ले रही है, बहुत बड़ी ज्यादा किसी भी इलाके में नहीं होना चाहिए, सिर्फ मौजूदा इस्लाम उम्र की बात नहीं है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कहीं भी हो, हमारा इलाका छोटा सा इलाका है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे के भाई है, तो ये जान बूझ के आपस में इलाके के लोगों के अंदर नफरत बोने की मैं समझता हूँ साजिश है और इसके अंदर गफलत है, जो सैलाबी कटाव है, दरियाई कटाव, उस पर काम नहीं करना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टोटली गफलत है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसके अंडर आते हैं उनकी मुकम्मल लाइनी और गफलत है, और दूसरी तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो माफिया बैठे हुए मेरे हिसाब से और उनकी भी ये क्या कहते हैं वो शायद ये सोच रहे हैं कि पुराने अखबार में इस तरह बहुत सारे हो चुके हैं, ग्रेड वन लेट से अगर गुलतरी का था तो क्वार्टर वाला रखा है, क्वार्टर में ग्रेड वन है तो गुलतरी वाला रखा है, तो ये दुनिया में कहीं पर नहीं होता है। तो खुदा मैं आखिर में अपील करूँगा गवर्नर साहब से, वजीर आला साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और जितने भी कंसर्न सेक्रेटरी है, एजुकेशन के सेक्रेटरी है या हमारे जो दाखिला के सेक्रेटरी है जिसके पास ये फ्लड और इमरजेंसी के काम आते हैं, और कमिश्नर बल्तिस्तान पे वो एक जिम्मेदार बंदा है और हमें उम्मीद भी है कि वो इस पर एक्शन लेंगे, फौरी एक्शन लेंगे, ये नहीं कि वो महीना 6 महीना और लगा रहे, हमें फौरी एक्शन की तवक्कु है दोनों इशू पे, और अगर नहीं करते तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर हमारा अगला जो लाया अमल है स्कूल के हवाले से तो बच्चों ने दे दिया, दूसरे हवाले से इंशाल्लाह हम दोबारा से बैठे आपको बताएंगे, उसमें फिर बनिए कि धरना शॉर्ट गेम चल रहा हूँ। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 कोर इश्यूज को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। सबसे पहले जो 12 अगस्त पिछले 12 अगस्त 2022 को एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो ग्रेड वन की पोस्टों पे अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें मसला यह आया कि लैंड डोनर भी हमारे अपने थे और लैंड डोनेट बाकायदा हमने किया था, उसके अलावा जहाँ पे स्कूल बनाई गई थी वहाँ पर हमारे कम्युनिटी के फलदार गैर फलदार दरख्तान वहाँ पर लगे हुए थे जिनको बिला कीमत इस शर्त पर उखाड़ा गया था कि ग्रेड वन की पोस्टें जो है वहाँ के कम्युनिटी के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको दिए जाएंगे। लेकिन हैरानगी हमें उस वक्त हुई जब ऑफिस आर्डर के ज़रिए
हमारे अपने मोजाइसन नुमा और क्वार्डो से बाहर के लोगों को जो है ना वहाँ पे ग्रेड वन के पोस्ट पर तैनात किया गया है, जो कि हमारे साथ सरासर जुल्म है। इसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपने SOP थी उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है। SOP में बाकायदा मेंशन था कि लैंड जिन्होंने डोनेट किया है उनको प्रेफर किया जाएगा, एक तो उसकी उन्होंने वायोलेशन की, और उसके अलावा 5 किलोमीटर रेडियस उन्होंने बाकायदा वहाँ पे मेंशन किया था कि जो ग्रेड वन की जो कैंडिडेट होगा वो मुतलका स्कूल के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर वो रिहाइश पजीर होना चाहिए। लेकिन 22 प्राइमरी स्कूल सम रुमा से के पोस्ट पर जो है वो कुमरा के एक बंदे को अपॉइंट किया गया है, और गर्ल्स मिडिल स्कूल नाजमाबाद के पोस्ट पर कारगो के आखिरी गांव शायद डहान से जो है ना एक लेडी को अपॉइंट किया गया है। तो इसके अलावा स्कूल का मैं आपको थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, स्कूल जो है वो हमारी अपनी इंतकाल शुदा बंदबस्ती इंतकाल शुदा बाजार पर हमने बाकायदा लैंड डोनेट करने में सबसे बड़ा किरदार जो 4 स्कूल है उसमें से एक सहाफत का है, और आप अपनी जिम्मेदारी अहसन तरीके से बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तान के जो सहाफ़ी हजरात हैं वो अदा कर रहे हैं, और हमें उम्मीद भी है कि जो इशू अभी इससे इशू जो पहले डिस्कस हुआ है डाक भाई ने, और वो भी एक बड़ा इशू है क्योंकि इसमें डायरेक्ट मुतासरीन थे, तो मैंने कहा जी आप इसको पेश करें। अगले उस पे जाने से पहले मुख्तसरन मैं एक चीज़ बता दूँ कि जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था तो मैंने उन्हें बताया कि मैं पूरे हलके का नुमाइंदा हूँ, लेकिन जहाँ पे ज़्यादती होती है किसी हलके के इलाके के साथ, और अब ज़्यादती मेरे अपने गांव के साथ हुआ, तो यकीन मुझे यहाँ आना था, और हम सुबह गवर्नर साहब से भी मिले, कमिश्नर साहब से भी मिले, ऑलरेडी इनकी जो डिटेल है चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी वजीर आला और FSNA कमांडर और तमाम के जस्ट, लेकिन सबको ऑलरेडी ये लेटर जा चुका है, और मीनवाइल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी ज़रूरी था क्योंकि अभी दूसरी तरफ हो सकता है एजुकेशन वालों का भी कोई मौकफ आ जाए। लेकिन मुख्तसरन आपको इसका बताता चलूँ कि जब भी ग्रेड वन लिया जाता है तो कोशिश गवर्नमेंट की होती है कि उसी इलाके से ले लो, मेरे लिए पार्ट ऑफ कुमरा एक है, पूरा हल्का एक है क्योंकि ये सारा मेरा है, लेकिन कहीं ज़्यादती होगा तो हम जो ज़्यादती जिसके साथ हो उसके साथ खड़े होंगे, तो मैंने इनको यही बताया था कि ये आपका हक है, आपके साथ ज़्यादती हुआ है, और मकान ने एक दो बातें इन्होंने मिस किया था, वहाँ पे लैंड डोनर भी मौजूद है, और जो लड़का प्राइमरी स्कूल का जिक्र किया मोहम्मद हुसैन परवाना वो पिछले 5 साल से वॉलेंटियर की काम भी कर रहा है, और वॉलेंटियर काम करने की इजाज़त एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुद से दी है, और इसी तरह दूसरी तरफ भी डोनर भी मौजूद है, ख्वातीन कैंडिडेट भी मौजूद है, इसके अलावा भी कैंडिडेट मौजूद है, तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि अव्वल तो वही बंदे लगे जो ऑलरेडी जिन्होंने कुर्बानी दी है, ज़मीन दी है, जिनके दरख आ गए, जिनके ऑलरेडी वो वॉलेंटियर भी कर रहे हैं, वो लेने अगर वो लेट से उनके मेरिट पे नहीं आते तो एटलीस्ट उसी गाँव के और भी कैंडिडेट लग सकते हैं, ख्वातीन भी है दूसरे हो गए या साहब भी वो ले लें ताकि मसाला हल हो जाए। अब हम दूसरी तरफ आते हैं जो ज़मीनी कटाव है, दरियाई कटाव, सिक्किमों के टेंडर हो गए, मैं आपको बता दूँ कि मैं मेंबर से फारिग हो गया, अभी 2 साल से ऊपर हो गए, जून में हम फारिग हुए थे 2020 में, अभी तक हमारी जो सेकंड ADP के स्कीमें हैं उन पर काम हो रहा है, आप अंदाज़ा करें कितना स्लो है जो डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका या फंड के रिलीज का इशू है, तो इस हवाले से हमारी स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से सबसे पहले, फिर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से, उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे, और वज़ीर दाखला साहब और GBDMA के जो DG साहब जो भी है उनसे, और कमिश्नर बल्तिस्तान से, कि आप इसको वार फूटिंग पे जंगी बुनियादों पे इस मसले की तरफ देखें, इन दोनों मसले की तरफ, और ये इस इलाके के आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, अगर ये मसला हल नहीं होता है तो आवाम सड़कों पर आना कोई इशू नहीं, आज को गिने चुने लोगों को हमने बुलाया, सिर्फ मौजा इस्लाम नुमा अगर इधर आ जाएगा तो सरदो जाम हो सकता है, इतने अपराधी कुवत वहाँ पर मौजूद है, और यही मसला सिर्फ इस्लाम नुमा का नहीं है, दरियाई कटाव चौंदूस का।